मतलब इतने काफ़ी सारिया गल्लां हो चुकिया ने ते कुछ गल्लां ने जिहड़ियां आम तौर पर अज मीडिया भी कर रहा है होर भी बहुत सारे लोग थोनू करनगे भी एज स्टूडेंट थोड़े ते की असर पैना वा जे यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज हो जाती है तां इहदा आम तौर पर जवाब नहीं आता किसी विद्यार्थी नूं भी मैं तो डिग्री कर रहा मैनू तो डिग्री मिल जानी है तो इहदे नाल की फर्क पै जाना तो जिन्ने आर्थिक लॉजिक दिते जाते हैं वो कहते हैं भी जिहड़ियां स्टेट यूनिवर्सिटियां ने उत्थे भी तो फीसां वध रहियां ने सेंटर च भी वध रहियां ने फिर थोनू रौला की है। इस गल की मैं शुरुआत इत्थों करूँगा। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसीएशन ने 2008 दे विच एक धरना लाया कि पंजाब यूनिवर्सिटी नूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाओ। ये अज की गल नहीं है, ये आरएसएस वाले बीजेपी वाले तो अज आके सिर ते बैठे है। ये साडी टीचर एसोसीएशन तो कदों की यह मंग मंगती है कि इस यूनिवर्सिटी नूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दो। उदों कहा जा रहा सी कि फंड क्रंच है जी, पंजाब यूनिवर्सिटी को फंड नहीं है, ये बंद हो जूगी, जे इनू बचाना इनू सेंटर के हाथों देना पैना। 2017 च असी अपने अखी देखा नित अखबारों के बिच वीसी के बयान आते सी भी साडे कोल फंड नहीं है, साडे खजाने खाली हो गए, आउंदे जून जुलाई तक यूनिवर्सिटी बंद हो जूगी। तो उदों बहाना ला के 500% तो 1100% फीसा का वाधा किया गया, वो लड़के वापस कराया आपां। ते हुण फिर रौला पाया जा रहा, हाईकोर्ट ने जो कहा कहना भी सेंटर नूं फंड दिंदा 92%, पंजाब सरकार तो दिंदी ही कुछ नहीं, ते भी ये तो सारी सेंटर चला रहा है, इनू सेंटर दे सपुरद करो। ये गल्लां जदों कहियां जांदियां तां एक गल असीं याद करवाउणा चाहुंदे हां, 2008 दे विच वकीलां दी एक जथेबंदी ने एक आर्टिकल लिखिया सी, उन्होंने उहदे विच एक लाइन लिखी कहिंदे फंड क्रंच वगैरह तुसीं जिन्ना मर्जी कही जाओ, पंजाब यूनिवर्सिटी चाहे सुनहरी कपड़े सी चाहे पाटे लिथड़िया दे विच, ए पंजाब दी है, ए रही है ते रहूगी। क्यों रहूगी? इहदा इतिहास याद करना पैना। ये जिन्ने तुसी इत्थे खड़े हो इहदा इतिहास अपने मना च बिठा लो, क्योंकि जिन्ने मर्जी आर्थिक लॉजिक देई जाओ भी सेंटर फंड दिंदा कि नहीं दिंदा, स्टेट फंड दिंदी है कि नहीं दिंदी, इहदा मकसद की है सेंट्रलाइजेशन दा? ये इस करके है जिहड़े मीडिया वाले सानू आके सवाल करते हैं भी थोनू विद्यार्थी के तौर पर की फर्क पैना, असीं इह कहिंदे आ सानू फर्क पैना है, क्योंकि सिक्ख्या ढांचा एक दिन के विच नहीं उसरदा, ये यूनिवर्सिटी एक दिन के विच नहीं उसरदी। असी आके इत्थे बह गए पढ़न लग गए इहदी बदौलत जिंदगी च अगे वध रहे हां, पर यह बना के किने दित्ती सानू? ये 1882 की बनी हुई है पर कोई नहीं याद करता भी यह किवें बनी है। पंजाब यूनिवर्सिटी पब्लीकेशन ब्यूरो ने एक किताब छापी सी 1968 दे विच, उस किताब का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी 1947 तो 1967, उहदे पहले चैप्टर दे विच लिखा होया है कि अंग्रेजा ने इत्थे 3 यूनिवर्सिटियां बनाईयां, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी ते मद्रास यूनिवर्सिटी। ते पंजाब च जिहड़े स्कूल ते कॉलेज खुलन लगे ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਲਜ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 47 ਦੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਵੰਡ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ?
उदो जी आर जी हुकूमत बनी पंजाब का जो पेप्सू स्टेट थी एदा मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव उस सेंटर नूं एक चिट्ठी लिखदा भी साडे स्कूल ना कालजां दे सिर ते कोई यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी असी पढ़ांगे किवें ते असी भावें साडियां बिल्डिंगां लाहौर च रह गईयां साडा विरसा है ओह असी पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं छड्दे असी इमारतां नवीआं बणाउणियां सानू पैसा दिओ पैसा नहीं हैगा इमारतां बणाउण लई ते सेंटर सरकार ने कोरी ना करती हुणे कोई दस के गया सी भी नहरू की बहुत वधिया कोर्ट लगी हुई है साडे सिस्टम ने लागू नहीं की नहरू की करता सी नहरू की सरकार सी जिन्होंने 1920 कांग्रेस ने वादा उदो मुकर गई वादा की सी नागपुर सैशन च कांग्रेस कहती भी इस देश जिहड़ियां वख वख कौमां यह लड़ रही अंग्रेजों के खिलाफ तुसी साडे नाल आओ जदों वंड होई यह कहता तुसी भारत दे विच आओ भी असी थोड़ू कौमां नू भाषा आधारित सूबे देवांगे थोड़ू खुदमुख्तियारियां देवांगे पर 47 तो बाद मुकर गया वह नहरू मुकर गई वह कांग्रेस सरकार क्योंकि उन्हें मंजूर नहीं सी कि वख वख कौमां उन्हां दी भाषा उन्हां दी कौमी पछाण उन्हां दा सभ्याचार वह पले वह वधे इस देश दे विच वह जबरी एक कौम पहला तो बनाना चाहते सी हिंदी के नाम पर जिन्हों अज ठोक बजा के भाजपा कहती है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ते उन्हां वेलिआं दे विच जदों पंजाब यूनिवर्सिटी की मंग की जिहड़ी पंजाबी भाषा लई कम करती जिहड़ी पंजाबी खिते लई कम करती उन्होंने कोरी ना करती भी असीं धेला नहीं देना तुहानूं इस यूनिवर्सिटी दे लई ते उस वेले जदों सूबिआं तों वी मना करता तां सारे देश च जो साउथ तो एक अंदोलन उठा कि सानू भाषा आधारित सूबे चाहिए आ वह आंध्रा तो हुंदा महाराष्ट्र तो हुंदा होया पंजाब पहुंच गया पंजाब ने पंजाबी सूबा मूवमेंट की शुरुआत करती ते सारे देश चलदियां लहरां की बदौलत वह नहरू सरकार नू दोगली सरकार नू ना चाहते हुए भी कुछ हद तक जिहड़े सूबे कट वढ के बनाए जिहेजा भी पंजाब कट वढ के बनाया ये बनाउणा पिया जो सूबा आधारित सूबा यूनिवर्सिटियां जिहड़ा सूबिआं दीआं भाषावां लई कम करदियां कौमां लई कम करदियां उहनां दे मुद्दिआं ते उहनां नूं प्रफुल्लित करदियां वह बनाउणा नहीं सी चाहुंदे पर पंजाब सरकार ने उदों जमा बर्बादी की हालत दे विच जदों सेंटर ने ना करती उदों 25 लाख रुपया कढ के धरिया भी आ साडा पैसा है पर इन्ने नाल यूनिवर्सिटी नहीं उसरनी 2 करोड़ रुपया चाहिदा है ते सेंटर दे मंत्रियों दे मूंह अड्डे रह गए सी भी असी क्यों दे दिए 2 करोड़ रुपया मुड़ के इन्ने इन्नी मतलब जिद्दोजहद के बाद जिहड़ी रीहैबिलेशन मिनिस्ट्री बनी सी उन्हें 1 करोड़ का वादा करता पर इस यूनिवर्सिटी नूं कोई पैसा नहीं भेजा पंजाब के लोगों ने अपना तिलफुल पा के यह यूनिवर्सिटी बनाउणी शुरू की चिट्ठी पत्र भेजे बंदे भेजे डाकिए भेजे पर कोई पैसा नहीं आया मुड़ के मुकरदे कहिंदे असीं करोड़ नहीं दे सकते असीं 82 लाख देवांगे फिर कोई पैसा नहीं दिता ते अंत आके लोगों के दबाव हेठ 62 लाख रुपया रीहैबिलेशन मिनिस्ट्री नूं देना पिया तां जाके यूनिवर्सिटी उसरी है ते जिहड़े अज दावे करते ने कि सेंटर बधाऊगा इस यूनिवर्सिटी नूं वो दऊगा फंड सेंटर ने कदे भी इस यूनिवर्सिटी नूं बसाउणा नहीं चाहिया सेंटर ने कदे भी इस यूनिवर्सिटी की बांह नहीं फड़ी पंजाब है पंजाब के लोग है जिन्होंने बार बार उजड़ती हुई इस यूनिवर्सिटी नूं वसाया इस करके चाहे फंड क्रंच के रौले पा लो चाहे जिहड़े मर्जी पा लो असीं इह ठोक बजा के कहने हैं कि चाहे सुनहरी कपड़िया के बेच है चाहे कदे लिथ फटे लिथड़िया के बेच है पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की है इतू अगली गल इन्ना कुछ होने के बाद यह यूनिवर्सिटी खोई किवें जाती है जिहड़े सिकंदर की सरकार नूं इह सूबे बनने मंजूर नहीं सी जदों उन्हां नूं मौका मिलिया उदों उदों हक अधिकार खोए ते पंजाब नाल तां वधीकियां हुंदियां आईयां ने जदों 66 दे विच पंजाबी सूबे की होंद होंद पंजाबी सूबा होण च आया उदों चंडीगढ़ नूं यूटी बनाता इस यूनिवर्सिटी नूं इह कह के कि हजे तां हरियाणे हिमाचल दे कालज वी इहदे नाल जुड़े आ भी उन्होंने जो तक वो आप यूनिवर्सिटियां नहीं बनाते उदों तक इन सांझी यूनिवर्सिटी बना लो इस साजिश के तहत सेंटर ने आपका हिस्सा इस यूनिवर्सिटी च पाया पर 73 तक आते आते हरियाणा हिमाचल नूं फंड दे के उन्हां दीआं यूनिवर्सिटियां बनवा दीआं उन्हां दे कॉलेज डी एफिलिएट हो गए पर यह पंजाब है ज
जिदे अज तक 188 कॉलेज जुड़े हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी के सिरते चलते हैं, पर यह यूनिवर्सिटी सेंट्रल सरकार आपका 60% हिस्सा वह वापस लैण की थान पंजाब नूं बाहर करना चाहती है। पंजाब ने इस यूनिवर्सिटी का बूटा लाया, इनू तत्तियां ठंडियां हवावां तो बचाया, ते अज जदों ये यूनिवर्सिटी पढ़ के एक जवान रुख बन गई है तो पंजाब नूं इहदी मिठी छां मानण तो बाहर किया जा रहा है। ये बदीकियां अज भी नहीं बंद हो रही, ते पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी जिहड़ी वसदी पंजाब दे नां ते आ पैंदी चंडीगढ़ च, जिहड़ी चंडीगढ़ नूं खोहना चाहुंदे है, यह पंजाब यूनिवर्सिटी खो के चंडीगढ़ तो साडी दावेदारी खत्म करना चाहते हैं। इस करके ये अज फैसला उदों तिखे रूप दे विच आ रहा जदों BBMB चो बाहर किया, सिटको चो किया, केंद्र दे सर्विस रूल वो चंडीगढ़ च लागू किए हैं, उदों पंजाब यूनिवर्सिटी से फैसला आ रहा है। तो अज जदों ये फैसला आ रहा है तो होर कई सवाल इत्थे उठे है। SP सिंह जी खड़े ने, उन्होंने एक गल कही है कि जेडे साडे विरोधी ने जेडे BJP RSS वाले नूं तुसीं भगवां करन कही जाओ, उन्होंने 70 सालों के ईमानदारी दे नाल अपनी विचारधारा प्रति ईमानदारी दे नाल मेहनत दे नाल काम किया, आपका ताना बाणा खड़ा किया, इस देश दे लोकां दे उत्ते अज हमले कर रहे ने, तां उह गल समझण दी लोड़ आ, उह गल परखण दी लोड़ आ। इस यूनिवर्सिटी नूं बचाउण वालियां जिहड़ियां ताकतां ने, असी पूटा तो सवाल करते हैं। पूटा बारे कहा जाता उहदे च दो धड़े ने, एक जिहड़े संघियां दा धड़ा है, एक जिहड़ा विद्यार्थी पक्षी धड़ा अपने आप नूं दसदा, ते उह कहिंदे ने असी हुण तक यूनिवर्सिटी दे विच इहदी एडमिनिस्ट्रेशन दे विच संघियां दी दबदबे नूं रोकण दी वध तों वध कोशिश कीती है, पर अज उही पूटा उहदे उही लीडर इन्हां टीचरां दी उस डिमांड पिछे कि इन्हां दीआं तनखाहां वध जाण, इन्हां दी रिटायरमेंट एज वध जावे, उहदे पिछे उह सारी दी सारी पूटा अज BJP दे पक्ष दा स्टैंड लै रही है कि सेंट्रलाइजेशन होवे। फिर असीं सिर च मारनी इहो जी पूटा जिहड़ी BJP विरोधी आते आप नूं कहिंदी कहिंदी संघिया का सारा एजेंडा लागू कर जाती है। यही सवाल असं करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को बचाने वाली होर सारिया ताकतों तो, चाहे वह विद्यार्थी जथेबंदियां जिहड़ियां कहिंदियां ने कि इहदा केंद्रीकरण बंद होना चाहिए क्योंकि केंद्र को भी कोई फंड नहीं है। ये गल सही आ, असी इस गल नाल सहमत हाँ, केंद्र कोई फंड नहीं, तो उहदी नीति है इहनू प्राइवेट करन दी, यही हाल चाहे सूबा सरकारां भी कर रही ने, पर यह केंद्रीकरण का हमला उदों तक चलता रहेगा जो तक तुसी ये कहोगे कि इहदा जिहड़ा मौजूदा स्टेटस है इंटर स्टेट बॉडी कॉरपोरेट एक सांझी यूनिवर्सिटी केंद्र ते पंजाब दे विचाले, उदों तक इहदी सैनेट दे विच इहदे VC दे इहदे हर पद्धर ते उहनां दी दखलअंदाजी रहेगी, ते अज उह दखलअंदाजी नूं जे खत्म करना ते पंजाब नूं वापस सौंपनी होवेगी यूनिवर्सिटी। ते इस समय दे विच मतलब पंजाब सरकार का तुसी रोल देखो, जिहड़ियां पार्टियां हमेशा पंजाब नाल गदारियां करदियां आईयां जिहदे करके सारा कुछ पंजाब तो खोया गया, अज भी जिहड़ी पंजाब की सत्ता ते काबज आम आदमी पार्टी की सरकार है वह भगवंत मान चुप्पी वट्टी बैठा है, उहदी चुप्पी चुप्पी नहीं दर्शा रही, उहदी चुप्पी दसदी है वह सेंटर दे नाल है। एक पासे बंगाल दे विच ममता बैनर्जी आ, पिछले हफ्ते क्योंकि देश दीआं स्टेट यूनिवर्सिटियां दे विच जिहड़ा चांसलर हुंदा उह गवर्नर लाया जांदा ते गवर्नर सेंटर दा बंदा हुंदा, उस गवर्नर जिहड़ी उस चांसलर जिहड़ी जो स्टेट यूनिवर्सिटियां सेंटर दखलअंदाजी कर रहा है, उस सूबे की हुकूमत ने ममता बैनर्जी ने यह पास करता कि कोई गवर्नर स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं रहेगा, वो कहती मुख्यमंत्री होगा चांसलर, ममता बैनर्जी होगी इन्होंने सारी यूनिवर्सिटी की चांसलर, सेंटर बढ़ के दिखा देवे साढ़े सूबे दे विच, ये उन्होंने स्टैंड लिया। दूजे पासे साडे वाले है जिहड़े दिल्ली जाके गोडनियां उन्होंने मूहरे टेक के आउंदे आ, ते ये जदों असीं मंग करते हैं कि यूनिवर्सिटी पंजाब नूं मिलनी चाहीदी आ तां जिहड़ियां ताकतां ये कहिंदियां कि इहदे नाल हरियाणा हिमाचल के स्टूडेंट साडे नाल टुट जाणगे, असीं क्लासां च कंपेयर करते फिरते हैं, असीं जिन्ने भी होर सूबियां दे विद्यार्थी है जिन्ने भी होर सूबियां दे अध्यापक है उन्हां नूं इह कहिंदे आ ऐलान करदे आ कि पंजाब यूनिवर्सिटी सारिआं दी खुल्ली रहे, असीं किसे दे विरोधी नहीं हैगे कि इत्थे होर सूबियां दे विद्यार्थी ना होण, कितों भी देश के किसी भी खिते दे विच्चों कोई भी विद्यार्थी इत्थे आवे कोई भी अध्यापक आवे इहदे रिसोर्सिस दा फायदा चके इहनूं योगदान देवे इहनूं होर मजबूत बनावे, पर कोई भी अध्यापक जिहड़ा तनखाह लैंदा कोई भी स्टूडेंट जिहड़ा इत्थे पढ़न आउंदा इहदियां डिग्रियां लैण आउंदा उहनूं इह हक नहीं है कि किसी भी खिते अदारे सूबे दे विच जाके उह कहे कि आ अदारा इस खिते तों खोलो सूबे तों खोलो इहदा केंद्रीकरण कर दो, इह हक किसी नूं नहीं है। ते होर सूबे के विद्यार्थियों असी यह अपील करते हैं पंजाब स्टूडेंट यूनियन सरकार वालों
ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਲਲਕਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ अधिकार है इस यूनिवर्सिटी से, इन्हें बनाया अपने हाथी, इन्हें बुजर जी बार बार वसाया, केवल पंजाब है जिहड़ा पहला भी इतिहास के विच ते अज भी जिहड़ा इस यूनिवर्सिटी नूं बचा सकता वा। केंद्र है जिहड़ा इहनूं बर्बाद करना चाहुंदा, तुसीं केंद्र दीआं यूनिवर्सिटीआं दा हाल चक्के देख लो। ते इस करके एक जमहूरी गल नाल, एक तर्क संगत गल नाल, तुसीं होर सूबिआं दे हुंदे होए भी अज पंजाब दे नाल खड़ो, ते फैसला तुहाडे हत्थ दे विच आ। तुसीं किहदे ते यकीन करना, इत्थे दो धड़े ने, एक धड़ा उहनां दा जिहड़े मतलब कि इस मुल्क दे विच विकास की गल करते हुए भी सारे पब्लिक अदारे बेच गए, रेलवे तो लैके LIC तो लैके बैंकों तो लैके सिक्ख्या अदारे सारा कुछ बेच गए। थानू लगता वो थानू फंड देणगे, तुसीं उहनां दे नां खड़े, उहनां अध्यापकां ते अज यकीन करना चाहुंदे हो जिहड़े सिर्फ अपनियां तनखाहां लई तां बोलदे आ, पर जदों इत्थे 500% 1100% फीसां वधाईआं जांदीआं उदों चूं नहीं करदे, उदों विद्यार्थी नाल नहीं आके खड़दे। जां फिर तुसीं साडे ते यकीन करो, जिन्हां ने इन्ने रौले दे बावजूद कि यूनिवर्सिटी बंद हो जू, इहदे कोल फंड नहीं हैगे, 1100% दीआं फीसां असीं वापस कराईआं लड़के इस प्रशासन दे नाल, चंडीगढ़ प्रशासन दे नाल, सेंटर सरकार दे नाल, ते असीं इह वादा करदे आं कि यूनिवर्सिटी का बनता हक इनू मिलना चाहिए, पंजाब नू मिलना चाहिए, तो यह यूनिवर्सिटी पंजाब सूबे को आऊगी तो इनू नहीं बंद होण देवांगे, नहीं विकण देवांगे। असीं इत्थे भी लड़दे हाँ, असी पटियाले भी लड़दे हाँ, असी सिक्ख्या बचाउण लई लड़ांगे, असी हक्कां लई लड़ांगे। इस करके अज हर वह विद्यार्थी जिहड़ा इहदा इस यूनिवर्सिटी च पढ़ रहा है, जिहड़ियां पीढ़ियां चों पढ़ के निकल गईआं, जिन्हां ने इहदे सिर ते पढ़ना, उहनां दा फर्ज बणदा कि अपनी इस यूनिवर्सिटी नूं बचाईए, इहनूं होर मजबूत करिए, ते इहनूं इहदा बणदा हक जिहड़ा उह मिले। इस करके इस लड़ाई दा साथ देवो, ते इक आखरी अपील कि इस संघर्ष को अगे वधाउण दे लई पंजाब दीआं 9 विद्यार्थी जथेबंदियां इकट्ठियां होईआं, पटियाले यूनिवर्सिटी मीटिंग हुई सी, ते आउंदी 8 जून नूं चंडीगढ़ पद्धर दा मुजाहरा कीता जा रहा है अंब साहिब विखे, उत्थे जिहड़ा गुरद्वारा अंब साहिब दे नेड़े रैली मैदान है उत्थे इकट्ठा होना है। आपां 8 तरीक नूं सवेरे 11 बजे तां पंजाब यूनिवर्सिटी दे सारे विद्यार्थी, चाहे तुसीं पंजाब दे हो, चाहे तुसीं होर सूबिआं दे हो, आपां वध चढ़ के उह जो पंजाब पद्धरी अज मुजाहरा किया जा रहा 8 जून ओदा हिस्सा बनना, उन्हों हर मोहर मजबूत करना, ते मंग करनी आ कि इहदी केंद्रीकरण तां बंद होवे इस यूनिवर्सिटी का। यह यूनिवर्सिटी पक्के तौर पर जो पंजाब की सी, यह पंजाब नूं वापस दिती जाए, इस मंग के लिए आप उस मुजाहरे शामिल होना। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, विद्या।